तो दोस्तों 2014 दो के अंदर हमें एक मूवी देखने को मिली थी नीड ऑफ स्पीड जी हाँ दोस्तों ये, ये एक तरह से टाइटल रखा गया था साथ ही साथ कई जगह इसका टाइटल नीड ऑफ स्पीड की एक तरह से इसका टाइटल रखा गया था और इंडिया के अंदर इसका टाइटल भी यही था बाकी इसका दूसरा पार्ट अभी एक तरह से इसके मेकर्स लेकर आ रहे हैं तो उसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ उसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं नीड फॉर स्पीड दो एक एक्शन क्राइम फिल्म है जिसका निर्देशन और ससंपादन स्कॉट वॉ ने किया है और इसे जॉर्ज और जॉन गेटिंग ने लिखा है यह इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स द्वारा इसी नाम के रेसिंग वीडियो गेम फ्रेंचाइजी का फिल्म रूपांतरण है इस फिल्म में आरोन पॉल डोमिनिक कूपर स्कॉट मेस्कुडी ने अपनी पहली फीचर फिल्म में इमोजेन पूट्स रेमन रोड्रिगज रामी मालेक और माइकल कीटन ने अभिनय किया है यह स्ट्रीट रेसर टोबी मार्शल की कहानी बताती है जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए क्रॉस कंट्री रेस के लिए निकलता है जो एक प्रतिद्वंद्वी रेसर डिनो ब्रूस्टर के हाथों हुई थी नीड फॉर स्पीड को 14 मार्च 2014 को टचस्टोन पिक्चर्स लेबल के माध्यम से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया था रिलीज होने के बाद फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें इसकी कहानी निर्देशन और सहायक कलाकारों के अभिनय की आलोचना की गई हालांकि कुछ पॉल के अभिनय की प्रशंसा की छियासठ मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 203.3 मिलियन डॉलर की कमाई करने के बावजूद फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में बॉक्सफिस पर निराशाजनक माना गया कथानक टोबी मार्शल एक पूर्व रेस कार चालक है जो न्यूयॉर्क के माउंट किस्को में अपने दिवंगत पिता के गैराज मार्शल परफॉर्मेंस मोटर्स के मालिक है जहां वह और उनके दोस्त परफॉर्मेंस कारों को ट्यून करते हैं गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हुए वह और उनकी टीम घंटों के बाद सड़क दौड़ में भाग लेती है एक दौड़ के बाद टोबी के पूर्व प्रतिद्वंद्वी डिनो ब्रूस्टर ने उन्हें कार की बिक्री राजस्व के 25% परसेंट के बदले में दिवंगत कैरोल शेल्बी द्वारा निर्मित एक दुर्लभ फोर्ड शेल्बी मस्टैंग के निर्माण को पूरा करने के लिए भर्ती किया पूर्ण मस्टैंग को न्यूयॉर्क शहर में एक पार्टी में नीलामी के लिए प्रदर्शित किया गया टोबी और डिनो एक अंग्रेजी कार ब्रोकर जूलिया मैडॉन से मिलते हैं जिनके ग्राहक बिल इंग्राम कार खरीदना चाहते हैं टोबी द्वारा अपनी आपत्तियों के प्रति अवज्ञा से क्रोधित होकर डिनो टोबी और उसके दोस्त पीट को रेस के लिए चुनौती देता है जब पीट दिनों से साफ साफ कहता है कि सभी जानते हैं कि टोबी उससे बेहतर ड्राइवर है डिनो टोबी के जीतने पर मस्टैंग की बिक्री में अपना पूरा हिस्सा छोड़ने की पेशकश करता है अन्यथा टोबी को अपना हिस्सा छोड़ना होगा वह उन्हें अपने चाचा की तीन कोयनिक्सेग एगेरा आर कारों के साथ रेस करने की चुनौती देता है जिन्हें यूरोप से अवैध रूप से आयात किया गया था अंतिम चरण में जब उसे एहसास होता है कि वह रेस हारने वाला है तो डिनो जानबूझकर पीट की कार से टकराता है जिससे वह एक खड्ड में गिर जाती है और आग लगने से पीठ की मौत हो जाती है डिनो घटनास्थल से गायब हो जाता है जबकि टोबी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अनैच्छिक हत्या के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई जाती है यह साबित करने में असमर्थ कि दिनों वहां मौजूद था पैरोल पर रिहा होने के बाद टोबी पीट की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है वह रेहेस्यमयी सम्राट द्वारा आयोजित एक विदेशी कार रेस डेलियोन में प्रवेश करने के लिए इंग्राम की मस्टैंग उधार लेता है लेकिन एक शर्त के रूप में इंग्राम चाहता है कि जब टोबी मस्टैंग चला रहा हो तब जूलिया टोबी के साथ रहे रेस शुरू होने से पहले दोनों के पास सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के लिए 45 घंटे हैं। डेट्रायट में वे मिशिगन राज्य पुलिस के साथ एक अंतर्राज्यीय पीछा करते हैं और फुटेज अपलोड करते हैं डिनो अपनी दुर्लभ लेम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो किसी को भी देता है जो टोबी को रेस में प्रवेश करने से रोक सकता है जिससे ट्रक ड्राइवरों का एक समूह भी मस्टैंग के पीछे पर जाता है जूलिया टोबी की बेगुनाही के बारे में सम्राट को समझाकर बदला लेती है यूटा में टोबी और जूलिया पर ट्रक ड्राइवरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है जिससे उन्हें सड़क से हटने पर मजबूर होना पड़ता है टोबी के दल का एक सदस्य बेनी नेशनल गार्ड से चुराए गए एक सैन्य हेलीकॉप्टर में आता है और मस्टैंग को हवा में ही बोनेविले साल्ट फ्लैट्स में टोबी के दल के पास ले जाता है इस प्रक्रिया में वह खुद गिरफ्तार हो जाता है टोबी और जूलिया दौड़ के लिए पंजीकरण कराने के लिए समय पर सैन फ्रांसिस्को के मार्क हॉपकिंस होटल पहुंचते हैं लेकिन नोब हिल पर दिनों के एक गुर्गे द्वारा संचालित एक टो तो ट्रक मस्टैंग से टकरा जाता है जिससे वह नष्ट हो जाती है और जूलिया घायल हो जाती है दौड़ के लिए एक और कार पाने के लिए बेताब टोबी अपनी पूर्व प्रेमिका और पीठ की बहन अनीता से मिलता है जो अब दिनों की मंगेतर है टोबी जूलिया से सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में मिलता है उसे चूमकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक तेजकार है और यह पीठ के लिए है अगली सुबह टोबी ने न केवल उस लाल कोयनिक्सेग में आकर दिनों को चौंका दिया जिसे उसने पीठ की हत्या के समय चलाया था बल्कि उसे अनीता की सगाई की अंगूठी भी दी जिससे दिनों को पता चला कि अब वह उससे दूर हो गई है पैसिफ़िक कोस्ट हाईवे पर होने वाली दौड़ में रेसर और पीछा कर रहे कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल अधिकारी एक एक करके टकराते हैं जिससे टोबी और डिनो साथ साथ दौड़ते हैं डिनो उसी तरह टोबी को टक्कर मारने की कोशिश करता है जिस तरह उसने पीट को मारा था लेकिन टोबी चकमा दे देता है जिससे डिनो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पलट जाता है टोबी फ़िनिश लाइन तक पहुंचने से पहले दिनों को मलबे से खींचता है लेकिन पीट का बदला लेने के लिए दिनों को मुक्का मारे बिना नहीं रहता दोनों को बाद में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंतः दिनों को पीट की हत्या का दोषी ठहराया जाता है एक दिन बाद टोबी को रिहा कर दिया जाता है और जूलिया उसे 2015 फोर्ड मस्टैंग में जेल के गेट पर मिलती है दंपति यूटा की एक जेल में जाते हैं जहां बेनी को अच्छे व्यवहार के लिए जल्दी रिहा किया जा रहा है आरोन पॉल टोबी मार्शल माउंट किस्को न्यूयॉर्क का एक ब्लू कॉलर मैकेनिक और कुशल पूर्व रेस कार चालक जिसे एक संघीय अपराध के लिए फंसाया जाता है जो उसने किया ही नहीं था डोमिनिक कूपर डिनो ब्रूस्टर एक पूर्व इंडी रेसर और टोबी के कट्टर प्रतिद्वंद्वी इमोजेन पूट्स जूलिया मेडन एक चतुर विदेशी कार दलाल जो टोबी की प्रेमिका बन जाती है स्कॉट मेस्कुडी सार्जेंट बेनी मैवरिक जैक्सन के रूप में टोबी के चालक दल के सदस्य और पूर्व नेशनल गार्ड सैनिक वह एक पायलट है जो छोटे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम है और उसे अक्सर झूठा कहा जाता है क्योंकि साथी चालक दल के सदस्यों को विश्वास नहीं होता कि वह एक सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है जिसे वह बाद में साबित करता है उसके पास सेसना एक है रेमन रोड्रिगेज जो बीस्टी पेक टोबी के दल का सदस्य वह दल का पेशेवर मैकेनिक है और द बीस्ट नामक संशोधित 2011 हजार ग्यारह फोर्ड एफ चार चलाता है रामी मालेक फिन के रूप में टोबी के दल का सदस्य वह दल के कंप्यूटर विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है दौर को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरों की निगरानी करता है माइकल कीटन मोनार्क के रूप में एक भूमिगत सुपरकार रेस प्रतियोगिता डी लियोन का एक एकांतप्रिय और विलक्षण मेजबान वह एक छोटे से खेत पर स्थित लाइट हाउस से काम करता है जहां वह रहता है डकोटा जॉनसन अनीता कोलमैन पीट की बड़ी बहन टोबी की पूर्व प्रेमिका और डिनो की मंगेतर हैरिसन गिलबर्टसन पीट कोलमैन अनीता का छोटा भाई और टोबी का शिष्य और मित्र उत्पादन विकास जुलाई 2012 में ड्रीमवर्क्स स्टूडियोज ने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के वीडियो गेम की नीड फॉर स्पीड श्रृंखला पर आधारित एक फिल्म बनाने की प्रतिबद्धता जताई थी जिसकी शुरुआत में रिलीज की तारीख 7 फरवरी 2014 और बाद में 14 मार्च 2014 थी आठ ब्रदर्स जॉर्ज और जॉन गेटिंस ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसे उस साल अप्रैल तक स्टूडियो में भेजा जा रहा था नौ टेलर कित्सच को जुलाई 2012 में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी दस हालांकि भूमिका अंत अक्टूबर में आरोन पॉल के पास चली गई ग्यारह पॉल ने मूल रूप से डिनो ब्रूस्टर की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था हालांकि निर्देशक स्कॉट वॉ ड्रीम ड्रीमवर्क्स के प्रमुख स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसके खिलाफ फैसला किया और उन्हें मुख्य भूमिका में लिया बारह तेरह जनवरी 2013 में डोमिनिक कूपर स्कॉट मेस्कुडी रेमन रोड्रिगेज रामी मालेक और हैरिसन गिलबर्टसन को फिल्म में कास्ट किया गया चौदह माइकल कीटन को फरवरी 2013 में कास्ट किया गया पंद्रह फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी मैकॉन जॉर्जिया में अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुई 16 अन्य फिल्मांकन स्थानों में शामिल है 12 मई 2013 को ब्रासेलटन, जॉर्जिया में रोड अटलांटा 17 कोलंबस, जॉर्जिया और फेनिक्स सिटी अल्बामा में तेरहवां स्ट्रीट ब्रिज और 1 जून 2013 से डेट्रायट मिशिगन में कैंपस मार्टियस अठारह उन्नीस अन्य उत्पादन स्थानों में पॉइंट एरेना के उत्तर में कैलिफोर्निया के राजमार्ग एक के खंड प्वाइंट एरेना लाइट हाउस और बूनविले और उकिया के बीच राजमार्ग दो शामिल है और साथ ही राजमार्ग 128 नवारो शहर और नवारो ब्रिज के बीच राजमार्ग 128 उत्तर को राजमार्ग एक दक्षिण से प्वाइंट एरेना तक जोड़ता है ठुद्धरण आवश्यक फिल्म के पीछा दृश्यों के लिए फिल्म निर्माताओं ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के इस्तेमाल के खिलाफ फ़ैसला किया इसके बजाय व्यावहारिक प्रभावों को नियोजित किया जिसके लिए कलाकारों को गहन ड्राइविंग सबक प्राप्त करने की आवश्यकता थी बारह बीस फिल्म में देखी गई सभी विदेशी कारें मर्सिडीज बेंच एसएलआर, मैकलारेन मैक्लारेन रोडस्टर के अपवाद के साथ कार प्रतिकृतियां थीं साउंड द ट्रैक गति की जरूरत फिल्म का स्कोर नाथन फर्स्ट जारी किया 14 मार्च 2014। शैली फिल्म अंक लंबाई एक दस चौंतीस लेबल वारेसे सरबांडे नाथन फर्स्ट कालक्रम. नीड फॉर स्पीड 2014. हज़ार चौदह बायोनिकल मास्क ऑफ लाइट अड़ीची नाथन फर्स्ट द्वारा रचित फ़िल्म का साउंड ट्रैक चौदह मार्च 2014 को वारेस सरबांडे द्वारा जारी किया गया था इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स ने 8 अप्रैल 2014 को एक अलग ईपी जारी किया जिसमें चार गाने शामिल थे एलो ब्लैक द्वारा फॉर्च्यूनेट सन और बैक इन द सेडल, जेमी एन कॉम्स द्वारा ऑल अलोंग द वॉच टावर और स्काइलर ग्रे की विशेषता वाले किट क्यूडी द्वारा हीरो लिंकिन पार्क के 2012 के एल्बम लिविंग थिंग्स के गीत रोड्स अनट्रेवल्ड को भी फिल्म में शामिल किया गया था अशी ट्रैक लिस्टिंग नहीं शीर्षक लंबाई एक मार्शल मोटर्स दो बजकर तीस मिनट दो लाइट हाउस एक बजकर छब्बीस मिनट सन माउंट किसको सूर्य सुशपाफन चार मस्टेंग ऑफर एक बजकर पैंतालीस मिनट पांच समान एगेरस दो बजकर तीन मिनट कोइनिक से ग्रेस दो बजकर छह मिनट सात पीट की मौत चार बजकर एक मिनट आठ दाहिने बैठने वाला दो बजकर दस मिनट नौ तुम हमेशा वापस जाओ तीन बजकर तैंतालीस मिनट दस मोटर सिटी तबाही दो बजकर दस मिनट टिड्डा एक बजकर तैतालीस मिनट शारूफिन तेरह पागल छोटा टार्ट पांच बजकर अठारह मिनट चौदह सीट बदलना एक बजकर पचपन मिनट पंद्रह यूटा एस्केप तीन बजकर छप्पन मिनट सोलह कैलिफोर्निया क्रॉसिंग तीन बजकर इकतालीस मिनट सत्रह टूटा हुआ छह बजकर सत्ताईस मिनट अठारह डी लियोन बिगिंस, सात बजकर तीन मिनट उन्नीस घातक बल चार बजकर छब्बीस मिनट बीस लीड में चार बजकर तैतीस मिनट कुल लंबाई एक बजकर दस मिनट और चौंतीस सेकंड विपणन और रिलीज 25 सितंबर 2013 को फिल्म का एक ट्रेलर आईट्यून्स पर जारी किया गया था 22 डिज्नी और ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स ने पांच फरवरी 2014 को फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन को तीन डी में बदलने की घोषणा की 23 नीड फॉर स्पीड का विश्व प्रीमियर साथ मार्च 2014 को टीसीएल चाइनीज थिएटर में हुआ 24 यह फ़िल्म 14 मार्च 2014 को टचस्टोन पिक्चर्स के बैनर के माध्यम से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा चयनित तीन डी 4DX चार डीएक्स और दो डी में रिलीज की गई थी पच्चीस इसे डिज्नी द्वारा दुनिया भर में रिलीज किया गया था कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों को छोड़कर जहां अधिकार मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट द्वारा अन्य उद्योगों को बेचे जाते हैं वीडियो गेम नीड फॉर स्पीड राइवल्स ने 11 मार्च 2014 को डाउनलोड करने योग्य सामग्री डीएलसी जारी की जिसमें फिल्म में दिखाई गई कारों को गेम में जोड़ा गया 26. होम मीडिया नीड फॉर स्पीड को टचस्टोन होम एंटरटेनमेंट द्वारा ब्लूरे डिस्क डीवीडी और तीन डी ब्लूरे पर पांच अगस्त 2014 को रिलीज किया गया था अशी स्वागत नीड फॉर स्पीड ने उत्तरी अमेरिका में तैंतालीस मिलियन डॉलर और अन्य देशों में एक मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल 203.3 मिलियन डॉलर की कमाई हुई उत्तरी अमेरिका में यह 14 मार्च 2014 को अपने शुरुआती शुक्रवार को छह दशमलव सात मिलियन डॉलर के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही अट्ठाईस हालांकि फिल्म तीन दिवसीय सप्ताहांत में सत्रह दशमलव आठ मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रही उन्तीस तीस उत्तरी अमेरिका के बाहर फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में रिलीज के समान सप्ताहांत में पैंतालीस दशमलव छह मिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर शुरुआत की इक्तीस यह दूसरे सप्ताहांत तक पहले स्थान पर रही बत्तीस कुल मिलाकर फ़िल्म का सबसे बड़ा क्षेत्र चीन है जहां फिल्म का शुरुआती सप्ताहांत 21.1 मिलियन डॉलर 33 और इसकी कुल कमाई 66.2 मिलियन डॉलर चौंतीस दोनों उत्तरी अमेरिका की तुलना में अधिक है कुल कमाई में इन दो क्षेत्रों के बाद 13.8 मिलियन डॉलर के साथ रूस और सीआईएस है सैंशो आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटन टोमाटोज पर एक समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 23 परसेंट की स्वीकृति रेटिंग और 4.3/10 की औसत रेटिंग मिली है साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है स्टॉक कैरेक्टर और एक बेतुके कथानक के साथ यह शोरगुल से विचलित करने वाला वीडियो गेम रूपांतरण नीड फॉर स्पीड को पूरा करता है और कुछ नहीं 36 मेटाक्रिटिक पर अड़तीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक सौ में से उनतालीस का स्कोर मिला है जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है सैंतीस सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ़ पैमाने पर बी प्लस का औसत ग्रेड दिया शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म को चार में से दो दशमलव स्टार दिए टिप्पणी करते हुए कि पॉल में प्रतिभा है हालांकि नीड फॉर स्पीड के संदर्भ में अभिनेता की तीव्रता का विचार एक सीरियल किलर की तरह अधिक है इसके विपरीत कूपर एक तेजतर्रार नृशंस सेक्सी जानवर की भूमिका निभाने में कुछ मजा लेते दिखते हैं फिलिप्स ने कहा कभी कभी फिल्म में रोमांच फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज के उन्मादी मजे की याद दिलाता है उनतालीस लॉस एंजल्स टाइम्स की बेतसी शार्की ने भी ऐसा ही महसूस किया उन्होंने लिखा स्ट्रीट रेसिंग वीडियो गेम के परोक्ष वैरूम की कोशिश में जिसने इसे प्रेरित किया और निस्संदेह फास्ट की सफलता का सपना देखते हुए स्पीड दो घंटे से अधिक समय तक चलती है और दर्दनाक रूप से कम हो जाती है चालीस ऑटोमोटिव ब्लॉग जलोपनिक के जेसन टॉर्चिंस्की ने कई कथानक बिंदुओं और ट्रॉप्स पर अविश्वास के दूरगामी निलंबन के साथ गियरहेड्स का अपमान करने के लिए फिल्म की निंदा की और कहा कि यह फिल्म 2015 हजार पंद्रह फोर्ड मस्टैंग के लिए एक गौरवशाली कार विज्ञापन से ज्यादा कुछ नहीं थी सुश्री ऑटोमोटिव आउटलेट द ड्राइव के डेनी कोरेकी ने इस विचार पर चर्चा की कि नीड फॉर स्पीड फिल्म बेहतर हो सकती थी अगर यह एक टीवी श्रृंखला होती बयालीस द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने अधिक सकारात्मक समीक्षा दी फिल्म के कार पीछा दृश्यों की प्रशंसा की जबकि समग्र फिल्म को एक ऊर्जावान सरल बी फिल्म घोषित किया 43 भविष्य 2015 में चाइना मूवी चैनल और जियाफ्लिक्स एंटरप्राइजेज ने ईए गेम्स के साथ मिलकर फिल्म का सीक्वल विकसित किया जिसे चीन में सेट और शूट किया जाना था सुशस यह भी देखे वीडियो गेम पर आधारित फिल्मों की सूची नोट्स टचस्टोन पिक्चर्स बैनर के माध्यम से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित नीड फॉर स्पीड एनएफएस इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स द्वारा प्रकाशित एक रेसिंग गेम फ्रेंचाइजी और वर्तमान में क्राइटेरियन गेम्स बर्नाउट सीरीज के डेवलपर्स द्वारा विकसित की गई है एक यह श्रृंखला आमतौर पर अवैध स्ट्रीट रेसिंग के इर्द गिर्द केंद्रित है और खिलाड़ियों को पुलिस की तलाश में स्थानीय कानून प्रवर्तन से बचते हुए विभिन्न प्रकार की दौड़ पूरी करने का काम देती है नीड फॉर स्पीड ईए की सबसे पुरानी फ्रेंचाइजी में से एक है जो उनके ईए स्पोर्ट्स ब्रांड के तहत प्रकाशित नहीं हुई है श्रृंखला का पहला शीर्षक द नीड फॉर स्पीड उन्नीस में जारी किया गया था सबसे हालिया गेम नीड फॉर स्पीड अनबाउंड दो दिसंबर 2022 को जारी किया गया था इसके अतिरिक्त 2015 में जारी एक फ्री टू प्ले मोबाइल इंस्टॉलमेंट नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स फायर मॉन्की स्टूडियो रियल रेसिंग टीम के डेवलपर्स द्वारा सक्रिय रूप से विकसित किया गया है श्रृंखला के शीर्षकों की देखरेख और विकास कई उल्लेखनीय टीमों द्वारा वर्षों से किया गया है जिसमें ईए कनारा ईए ब्लैक बॉक्स स्लाइटली मैड स्टूडियो और घोस्ट गेम्स शामिल है कई नीड फॉर स्पीड गेम्स को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यह फ्रेंचाइजी अब तक की सबसे सफल में से एक रही है जिसकी 150 मिलियन से अधिक बिकी है दो फ्रेंचाइजी ने मीडिया के अन्य रूपों में विस्तार किया है जिसमें एक फिल्म रूपांतरण और लाइसेंस प्राप्त हॉट व्हील्स खिलौने शामिल है सा, इतिहास नीड फॉर स्पीड सीरीज मूल रूप से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनारा में स्थित वीडियो गेम स्टूडियो डिस्टिंक्टिव सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित की गई थी उन्नीस में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स द्वारा कंपनी की खरीद से पहले चार इसने स्टंट्स और टेस्ट ड्राइव टू द ड्यूएल जैसे लोकप्रिय रेसिंग गेम बनाए थे खरीद के बाद कंपनी का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ईए कनारा कर दिया गया कंपनी ने उन्नीस के अंत में नीड फॉर स्पीड श्रृंखला विकसित करके डोमेन में अपने अनुभव को भुनाया उद्धरण वांछित ईए e. कनारा ने 2002 तक नीड फॉर स्पीड फ्रेंचाइज का विकास और विस्तार करना जारी रखा जब ब्लैक बॉक्स गेम्स नामक एक अन्य आधारित डेवलपर को ईए e. द्वारा अधिग्रहित किया गया और नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट दो यूके स्थित क्राइटेरियन गेम्स 2010 हॉट परस्यूट शीर्षक विकसित करेगा उन्नीस की नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट परस्यूट का उत्तराधिकारी गेम ने एक सामाजिक मंच पेश किया जिसका नाम ऑटोलॉग है जो खिलाड़ियों को गेम की प्रगति को ट्रैक करने लीडरबोर्ड देखने दोस्तों के साथ स्क्रीनशॉट साझा करने अन्य सुविधाओं के अलावा अनुमति देता है छ 2010 हॉट परस्यूट गेम को अच्छी तरह से प्राप्त किया जाएगा एक रिमास्टर्ड संस्करण 10 साल बाद 2020 में जारी किया गया था सात हॉट परस्यूट की महत्वपूर्ण सफलता के परिणामस्वरूप 2007 की नीड फॉर स्पीड प्रोस्ट्रीट के बाद से ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित किश्तों के मिश्रित स्वागत के विपरीत मानदंड आगे बढ़ने वाले फ्रेंचाइजी का प्रमुख डेवलपर बन जाएगा आठ ही तीन वार्ड ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि भविष्य में सभी नीड फॉर स्पीड गेम पूरी तरह से क्राइटेरियन द्वारा विकसित किए जाएंगे लेकिन उन्होंने कहा कि स्टूडियो की उनमें मजबूत भागीदारी होगी और भविष्य में कौन से एनएफएस शीर्षक जारी किए जाएंगे इस पर उनका नियंत्रण होगा ई चौ अगस्त दो में मानदंड खेलों के आकार घटाने के बाद ईए स्वीडिश डेवल पर घोस्ट गेम्स फ्रेंचाइजी के लिए मुख्य स्टूडियो बन जाएगा और इसके भविष्य के विकास की देखरेख करेगा दस ग्यारह उस समय घोस्ट गेम्स के अस्सी परसेंट कार्यबल में पूर्व मानदंड खेल कर्मचारी शामिल थे दस ग्यारह दो हजार तेरह से दो हजार उन्नीस तक घोस्ट गेम्स नीड फॉर स्पीड प्रतिद्वंद्वियों दो हजार फ्रेंचाइजी रीबूट दो हजार सत्रह की नीड फॉर स्पीड पेबैक और 2019 की नीड फॉर स्पीड हीट विकसित करेगा जबकि प्रतिद्वंद्वियों को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था 2015 रीबूट और इसके अनुवर्ती को अधिक मिश्रित समीक्षा मिली फरवरी 2020 में क्राइटेरियन ने फ्रेंचाइजी की देखरेख फिर से हासिल कर ली 12 तब से इसकी पहली रिलीज 2022 की नीड फॉर स्पीड अनबाउंड है इस बीच 2010 की हॉट परस्यूट और 2012 की नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड को छोड़कर कई पिछली प्रविष्टियां अर्थात नीड फॉर स्पीड कार्बन नीड फॉर स्पीड अंडर कवर शिफ्ट शिफ्ट दो और नीड फॉर स्पीड द रन ऑनलाइन स्टोर से हटा दी गई उनके संबंधित ऑनलाइन सर्वर 31 अगस्त 2021 को बंद कर दिए गए शिशा शिश गेम प्ले एनएफएस सीरीज के लगभग सभी गेम एक जैसे बुनियादी नियमों और समान यांत्रिकी का उपयोग करते हैं खिलाड़ी कई तरह की रेस में रेस कार को नियंत्रित करता है जिसका लक्ष्य रेस जीतना होता है टूर्नामेंट करियर मोड में खिलाड़ी को वाहनों और ट्रैक को अनलॉक करने के लिए रेस की एक श्रृंखला जीतनी चाहिए प्रत्येक रेस से पहले खिलाड़ी एक वाहन चुनता है और उसके पास ऑटोमेटिक या मैन्युअल ट्रांसमिशन चुनने का विकल्प होता है सीरीज के सभी गेम में मल्टीप्लेयर मोर का कोई न कोई रूप होता है जिससे खिलाड़ी स्प्लिट स्क्रीन लैन या इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से रेस कर सकते हैं नीड फॉर स्पीड हाई स्टेक्स के बाद से सीरीज ने गेम प्ले में कार बॉडी कस्टमाइजेशन को भी एकीकृत किया है हालांकि गेम का नाम एक ही है लेकिन उनका लहजा और फोकस काफी हद तक अलग अलग हो सकता है उदाहरण के लिए कुछ गेम में कारों को यांत्रिक और दृश्य क्षति हो सकती है जबकि अन्य गेम में कारों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है कुछ गेम में सॉफ्टवेयर वास्तविक कार व्यवहार भौतिकी का अनुकरण करता है जबकि अन्य में अधिक क्षमाशील भौतिकी होती है नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड की रिलीज के साथ यह सीरीज सुंदर .2.2 टू ट्रैक पर स्पोर्ट्स कारों की रेसिंग से हटकर शहरी सेटिंग में स्ट्रीट रेसिंग को शामिल करने वाले आयात ट्यूनर उपसंस्कृति में बदल गई आज तक यह थीम निम्नलिखित अधिकांश खेलों में प्रचलित रही है नीड फॉर स्पीड शिफ्ट और इसके सीक्वल ने रेसिंग के लिए सिम्युलेटर दृष्टिकोण अपनाया जिसमें नूरबर्गरिंग और सेका जैसे वास्तविक ट्रैक पर क्लोज सर्किट रेसिंग के साथ साथ लंदन और शिकागो जैसे विभिन्न शहरों में काल्पनिक स्ट्रीट सर्किट भी शामिल है कार सूची में विशेष रेस कारों के अलावा विदेशी स्पोर्ट्स कार और ट्यूनर का संयोजन शामिल है मूल नीड फॉर स्पीड को उन्नीस में तीन डू के लिए रिलीज किया गया था जिसके कुछ समय बाद ही पीसी डॉस उन्नीस सौ और सैटर्न उन्नीस के लिए संस्करण जारी किए गए नीड फॉर स्पीड और इसका स्पेशल एडिशन इस सीरीज के एकमात्र गेम थे जो डॉस को सपोर्ट करते थे इसके बाद पीसी के लिए रिलीज केवल विंडोज पर चलते थे नीड फॉर स्पीड कार्बन को छोड़कर जिसे ओएस एक्स पर भी रिलीज किया गया था द नीड फॉर स्पीड की पहली किस्त रोड एंड ट्रैक के स्टाफ सदस्यों के प्रत्यक्ष सहयोग के माध्यम से कार हैंडलिंग तत्वों का यथार्थवादी अनुकरण प्रदान करने के लिए श्रृंखला द्वारा किया गया एकमात्र गंभीर प्रयास था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने हैंडलिंग डायनेमिक्स को ऑटोमोटिव पत्रिका के अनुभवी ड्राइवरों के साथ ट्यूनिंग करके वाहन के व्यवहार से मेल खाने के लिए छोड़ दिया जिसमें यथार्थवादी ओवर और अंडर शामिल है जो दशकों बाद भी प्रभावशाली बना हुआ है साथ ही वाहनों के गियर कंट्रोल लीवर और अन्य कार्यों द्वारा बनाई गई आवाज़ें भी शामिल है गेम में वाहन डेटा के साथ साथ बोली जाने वाली टिप्पणी प्रत्येक कार की कई पत्रिकाशैली छवियां और संगीत के साथ वाहनों को हाईलाइट करने वाली छोटी वीडियो क्लिप शामिल थी अधिकांश कारें और ट्रैक गेम की शुरुआत में उपलब्ध है और इसका उद्देश्य टूर्नामेंट जीतकर शेष लॉक की गई सामग्री को अनलॉक करना है इस संस्करण में पुलिस कारों द्वारा पीछा किया गया जो पूरी श्रृंखला में एक लोकप्रिय विषय है द नीड फॉर स्पीड स्पेशल एडिशन नामक एक अन्य संस्करण उन्नीस में केवल पीसी के लिए जारी किया गया था इसमें डायरेक्टैक्स दो और टीसीपी आईपी नेटवर्किंग के लिए समर्थन दो नए ट्रैक शामिल थे लेकिन इसमें हमेशा लोकप्रिय फ़्लिप को छोड़ दिया गया और दुर्घटना के बाद अधिक सामान्य दृश्य रीसेट के पक्ष में चला गया जो आर्केर शैली के गेमिंग का एक संकेत था जो इसके बाद श्रृंखला पर हावी हो गया नीड फॉर स्पीड टू उन्नीस मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड टू नीड फॉर स्पीड टू एनएफएस टू में कुछ दुर्लभ और विदेशी वाहन शामिल थे जिसमें फोर्ड इंडिगो कॉन्सेप्ट वाहन शामिल था और इसमें उत्तरी अमेरिका यूरोप एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देश थीम वाले ट्रैक शामिल थे एक नया रेसिंग मोर भी पेश किया गया जिसे नॉकआउट कहा गया जहां लैप्स खत्म करने वाले आखिरी रेसर को बाहर कर दिया जाएगा इसके अलावा ट्रैक डिजाइन अधिक ओपन एंडेड था खिलाड़ी अब डामर से ड्राइव कर सकते थे और शॉर्टकट का लाभ उठाने के लिए खेतों में से कट कर सकते थे नीड फॉर स्पीड टू स्पेशल एडिशन में एक अतिरिक्त ट्रैक अतिरिक्त कारें और ग्लाइड के लिए समर्थन शामिल है एनएफएस टूके प्लेस्टेशन पोर्ट ने ने नेजिसियोन कंट्रोलर और डुअल एनालॉग और डुअलशॉक कंट्रोलर का भी लाभ उठाया नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट परस्यूट उन्नीस सौ अट्ठानवे मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट परस्यूट नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट परस्यूट में हॉट परस्यूट मोड़ जोड़ा गया जिसमें खिलाड़ी या तो पुलिस से आगे निकलने का प्रयास करता है या पुलिस अधिकारी बनकर स्पीडर्स को गिरफ्तार करता है एनएफएस थ्री ने ऑडियो कमेंट्री पिक्चर स्लाइड शो और म्यूजिक वीडियो की सुविधा देकर मल्टीमीडिया क्षमताओं का लाभ उठाया यह गेम आधिकारिक वेबसाइट से अतिरिक्त कारों को डाउनलोड करने की अनुमति देने वाला श्रृंखला का पहला गेम था परिणामस्वरूप वाहन बनाने के लिए मॉडिंग समुदाय उभरे पीसी संस्करण भी डायरेक्ट तीन डी हार्डवेयर का समर्थन करने वाला श्रृंखला का पहला गेम था नीड फॉर स्पीड हाई उन्नीस सौ निन्यानवे मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड हाई स्टेक्स। ईए कनारा और ईए e. सिएटल द्वारा विकसित हाई स्टेक्स को उन्नीस में रिलीज किया गया था इस गेम में अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी तत्व है और इसमें एक क्षति प्रणाली पेश की गई है जो कारों को वस्तुओं से टकराने पर नुकसान उठाने की अनुमति देती है जिससे उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन प्रभावित होता है इसने अर्थव्यवस्था आधारित टूर्नामेंटों की एक श्रृंखला भी शुरू की जिसमें खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है जिसे बाद की दौर के लिए कारों की मरम्मत खरीद या अपग्रेड करने पर खर्च किया जा सकता है गेम का हॉट परस्यूट मोर जिसे हॉट परस्यूट में पेश किया गया था को और अधिक विकल्पों के साथ विस्तारित किया गया जिससे खिलाड़ियों को रेसर्स को रोकने का प्रयास करने वाले पुलिस के पीछा को नियंत्रित करने की अनुमति मिली नीड फॉर स्पीड पोर्श अनलिस्ट दो हजार मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड पोर्श अनलिस्ट पोर्शे अनलिशेड उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका शीर्षक पोर्शे 2000 यूरोपीय और ऑस्ट्रेलियाई शीर्षक या केवल पोर्शे जर्मनी में पिछले संस्करणों से अलग है क्योंकि इसमें केवल पोर्शे शामिल थे पीसी संस्करण में वाहन हैंडलिंग को किसी भी एनएफएस गेम में सबसे यथार्थवादी कहा गया था लेकिन पीएसएक्स पीएसएक संस्करण में बहुत सलीकृत आर्केड हैंडलिंग थी जो पहले गेम में पेश किए गए हॉलमार्क हैंडलिंग से बहुत कम थी खिलाड़ी को 1950 से 2000 तक कालानुक्रमिक क्रम में कारों को अनलॉक करने के लिए दौड़ जीतनी थी पोर्श अनलिशेड में एक फैक्ट्री ड्राइवर मोड भी था जहां खिलाड़ी को गेम में आगे बढ़ने के लिए पोर्श का परीक्षण करना था और इसमें स्क्रीन मोड की सुविधा नहीं थी नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट दो दो हजार दो मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट दो नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट दो ये ब्लैक बॉक्स का पहला एनएफएस टाइटल था और छठी पीरी के कंसोल के लिए पहला एनएफएस था प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए गेम के अलग अलग संस्करण तैयार किए गए थे एक्सबॉक्स गेमक्यूब और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करण ईए सीएटल द्वारा विकसित किए गए थे जबकि पीएस दो संस्करण वैंकूवर में ब्लैक बॉक्स गेम्स द्वारा विकसित किया गया था जॉन गैटिन्स जन्म 16 अप्रैल उन्नीस एक एक अमेरिकी पटकथा लेखक निर्देशक और अभिनेता है ड्रामा फिल्म फ्लाइट 2012 लिखने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था गैटिंस ने ड्रीमर 2005 के लिए अपनी पटकथा को फिल्माकर निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और कोच कार्टर 2005, रियल स्टील 2011, हज़ार स्कल आइलैंड और पावर रेंजर्स 2017 को भी लिखा या सह लिखा एक अभिनेता के रूप में उन्होंने एडी मर्फी के साथ तीन बार नॉर्बिट 2007, मीट डेव 2008 और ए थाउजेंड वर्ड्स 2012 में सहयोग किया है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा गेटिंस का जन्म मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुआ था जहां उनके पिता न्यूयॉर्क सिटी पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते थे दो बाद में उनका परिवार पॉकिप्सी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया जहां गेटिंस ने अर्लिंगटन हाई स्कूल, तीन और वासर कॉलेज में पढ़ाई की दो उन्होंने उन्नीस में ड्रामा में डिग्री के साथ स्नातक किया आजीविका स्नातक होने के बाद गैटिन्स अभिनय को आगे बढ़ाने के इरादे से लॉस एंजल्स चले गए दो उनकी पहली भूमिका कम बजट की उन्नीस की हॉरर फिल्म विचबोर्ड दो द दे डेविल्स डोरवे में थी इसके बाद उन्नीस की फिल्म हेड टू ब्लड विंग्स में एक भूमिका थी दो जैसा कि उन्होंने 1999 की वर्सिटी ब्लूज और 2002 की बिग फैट लायर सहित बड़े बजट की प्रस्तुतियों में छोटी भूमिकाएं जीती दो जेरेमी क्रेमर एक साथी वासर स्नातक और फॉक्स में कर्मचारी ने उन्हें स्मेल्स लाइक टीन सुसाइड नाम से एक किशोर कॉमेडी लिखने के लिए एक हजार डॉलर का भुगतान किया चार वर्सिटी ब्लूज का निर्देशन ब्रायन रॉबिन्स ने किया था और इसका निर्माण माइकल टॉलिन ने किया था जिनमें से बाद में 2001 में गैटिंस की पहली पटकथा समर कैच नामक दो टॉलिन में गैटिंस की दूसरी पटकथा हार्डबॉल नामक एक ड्रामेडी का निर्देशन करने के लिए लौटे दो अभिनय जारी रखते हुए गैटिंस ने कोच कार्टर लिखा जो 2005 में रिलीज हुआ दो उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला निर्देशन प्रयास ड्रीमर प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने लिखा भी था आ। स्टीवन स्पीलबर्ग के सुझाव पर गैटिंस को रियल स्टील पर काम करने के लिए लाया गया था जो 1956 के रिचर्ड मैथेसन की लघु कहानी पर आधारित एक विज्ञान कथा फिल्म थी पांच गैटिंस ने पटकथा के मसौदे पर विचार किया जो उन्हें परियोजना पर काम करना शुरू करने पर मिला था जो बहुत ही अंधेरा था और उन्होंने इसे पारिवारिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूलित किया जैसे कि फिल्म के पुत्र संबंध जिसके बारे में वे अपने पिछले कार्यों में लिखने के आदि थे पांच रियल स्टील सात अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई थी पांच उन्नीस सौ निन्यानवे से पर काम कर रहे थे जो एक मूल पटकथा थी जो 2009 तक एक पृष्ठों की थी चार रॉबर्ट जेमेकिस ने पटकथा को उठाया और परिणामी फिल्म जिसमें डेनिजल वॉशिंगटन ने अभिनय किया को 2012 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया चार गेटिंस को उनकी पटकथा के लिए पचासीवें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लेखन मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला ड्रीम वर्क्स ने फिल्म की सकारात्मक परीक्षण स्क्रीनिंग के आधार पर फिल्म रिलीज होने से पहले गेटिंस को रियल स्टील का सीक्वल लिखने के लिए चुना सात उन्होंने और उनके भाई जॉर्ज गेटिंस ने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स वीडियो गेम श्रृंखला नीड फॉर स्पीड को भी एक नामांकित फिल्म में रूपांतरित किया गेटिंस ने लीजेंडरी पिक्चर्स और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए कोंग स्कल आइलैंड 2017 को फिर से लिखा नौ उन्होंने 2017 पावर रेंजर्स रीबूट फिल्म को भी फिर से लिखा जिसमें मैक्स लैंडिस मैट सजामा शार्पलेस मिशेल मुलरोनी और किरण मुलरोनी के पिछले ड्राफ्ट के पहलुओं को शामिल किया गया 2022 में गेटिंस और एंड्रिया बर्लोफ ने नेटफ्लिक्स के साथ एक रचनात्मक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक लेखक निर्माता नोट्स 2000 रंबल के लिए तैयार नहीं सहनिर्माता 2001 हजार एक ग्रीष्मकालीन पकड़हा सहनिर्माता हा डबॉल हा नहीं 2005 हजार पांच कोच कार्टर हा नहीं सपने देखने हा नहीं निर्देशक भी 2011 असली स्टील हा नहीं 2012 उड़ान हा नहीं नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार 2014 गति की जरूरत कहानी हा 2017 हजार सत्रह कोंग खोपरी द्वीप कहानी नहीं पावर रेंजर्स हा कार्यकारिणी 2024 लिटिल विंग हाहा हा। बिना श्रेय के स्क्रिप्ट संशोधन वर्सिटी ब्लूज 1999 बिहाइंड एनिमी लाइंस 2001 टाइमलाइन एक लाइन सन फ्रेंचाइजी के अधिकांश खेलों में किसी न किसी रूप में पुलिस का पीछा शामिल है पुलिस पीछा करने वाले कुछ खेलों में जैसे नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट परस्यूट खिलाड़ी या तो अपराधी या पुलिस वाले की भूमिका निभा सकता है पंद्रह ड्रिफ्टिंग और ड्रैगिंग की अवधारणाओं को नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड में पेश किया गया था ये नए मैकेनिक्स नियमित स्ट्रीट रेस के अलावा टूर्नामेंट करियर मोड में शामिल किए गए हैं ड्रिफ्ट रेस में अंडरग्राउंड और नीड फॉर स्पीड 2015 जैसे खेलों में खिलाड़ी को अपने वाहन द्वारा किए गए ड्रिफ्ट की लंबाई और समय के आधार पर अर्जित अधिकतम अंक प्राप्त करके अन्य रेसर्स को हराना चाहिए सोलह ड्रेग रेस में खिलाड़ी को रेस जीतने के लिए पहले स्थान पर होना चाहिए हालांकि यदि खिलाड़ी किसी बाधा या दीवार से टकरा जाता है तो रेस समाप्त हो जाती है सोलह नीड फॉर स्पीड सत्रह कार ट्यूनिंग की अवधारणा प्रत्येक नए गेम के साथ विकसित हुई मुख्य रूप से कार के मैकेनिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर कार कैसी दिखती है इस पर भी ध्यान दिया गया नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट को छोड़कर हर गेम में कार ट्यूनिंग होती है जो एब्स ट्रैक्शन कंट्रोल या डाउनफोर्स जैसी चीजों के लिए विकल्प सेट कर सकती है या इंजन या गियरबॉक्स जैसे भागों को अपग्रेड कर सकती है नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड दो की रिलीज के बाद टूर्नामेंट करियर मोड में खिलाड़ी की कार की विजुअल ट्यूनिंग महत्वपूर्ण हो जाती है जब उपस्थिति को शून्य से दस अंकों तक रेट किया जाता है जब कोई कार पर्याप्त उच्च विजुअल रेटिंग प्राप्त करती है तो वाहन एक काल्पनिक पत्रिका के कवर पर होने के योग्य होता है शिपा सभी रेसिंग गेम्स की तरह नीड फॉर स्पीड सीरीज में वास्तविक कारों के आधार पर मॉडल और नाम दी गई कारों की एक सूची है फ्रेंचाइजी में कारों को चार श्रेणियों में बांटा गया है विदेशी कारें मसल कार ट्यूनर और विशेष वाहन उन्नीस विदेशी कारों में उच्च प्रदर्शन वाली महंगी कारें शामिल है जैसे लेम्बोर्गिनी मर्सिएलेगो मर्सिडीज बेंच एसएलआर, मैक्लारेन शेवरले कार्वेट और फोर्ड जीटी मसल कारों का मतलब फोर्ड मस्टैंग डॉज चैलेंजर और शेवरले केमेरो है जबकि ट्यूनर कारें निसान स्काईलाइन और मित्सुबिशी लांसर इवोल्यूशन जैसी कारें हैं विशेष वाहन नागरिक और पुलिस कारें हैं जो कुछ खेलों में उपयोग के लिए उपलब्ध है जैसे नीड फॉर स्पीड मूल रूप से यह श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय सेटिंग्स में हुई थी जैसे ऑस्ट्रेलिया यूरोप और अफ्रीका में रेस ट्रैक बीस अंडर से शुरू होकर श्रृंखला काल्पनिक महानगरीय शहरों में हुई है 21 पहले गेम में हेड टू हेड मोड पर ट्रैफिक दिखाया गया था जबकि बाद के गेम ट्रैफिक को चालू और बंद किया जा सकता है और अंडरग्राउंड से शुरू होकर ट्रैफिक एक निश्चित बाधा है 21 हाल ही में नीड फॉर स्पीड के ज्यादातर गेम हमारी दुनिया के काल्पनिक स्थानों पर कई अलग अलग समय अवधि में सेट किए गए हैं। इनमें ओलंपिक बेव्यू रॉकपोर्ट पालमोन सिटी ट्राई सिटी बे सीक्रेस्ट काउंटी फेयर हेवन सिटी रेडव्यू काउंटी वेंचुरा बे फॉर्च्यून वैली पाम सिटी और लेकशोर सिटी शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है खेल मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड वीडियो गेम की सूची नीड फॉर स्पीड श्रृंखला की प्राथमिक किश्तें शीर्षक वर्ष पीसी शांति हाथ में डेवल पर नोट्स गति की आवश्यकता उन्नीस सौ चौरानवे एमएसडॉस विंडोज तीन डू सेटर्न पीएस इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स कनारा तीन डू संस्करण सबसे पहले रिलीज किया गया संस्करण था जापान में इसे ओवर ड्राइव इन और ओवर ड्राइव इन डीएक्स के नाम से जाना जाता है नीड फॉर स्पीड टू उन्नीस सौ सत्तानवे विंडोज पीएस ये कनारा सिएटल प्रोटोटाइप और शोकार उपलब्ध है जापान में ओवर ड्राइव इन टू के नाम से जाना जाता है नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट परस्यूट उन्नीस सौ अट्ठानवे विंडोजपी एस ईए कनारा सिएटल जापान में इसे ओवर ड्राइविंग थ्री हॉट परस्यूट तथा फ्रांस में नीड फॉर स्पीड थ्री पोरसुईट इन्फर्नेल के नाम से जाना जाता है नीड फॉर स्पीड हाईस्टेक्स उन्नीस सौ निन्यानवे विंडोजपी एस ईए कनारा सिएटल अधिकांश यूरोपीय देशों और ब्राजील में इसे नीड फॉर स्पीड रोड चैलेज फ्रांस में नीड फॉर स्पीड कंड्यूट इन एटैट डे लिबर्टी जर्मनी में नीड फॉर स्पीड ब्रेनेंडर एस्फाल तथा जापान में ओवर ड्राइविंग फोर के नाम से जाना जाता है नीड फॉर स्पीड पोर्श अनलिस्ट दो हजार विंडोज पी एस जीबीए ईडन गेम्स पीएस ईए कनारा पीसी पॉकेटियर्स जीबीए अधिकांश यूरोपीय देशों ब्राजील ऑस्ट्रेलिया और एशियाई बाजारों में इसे नीड फॉर स्पीड पोश 2000 के नाम से जाना जाता है तथा जर्मनी और अधिकांश लैटिन अमेरिका में इसे नीड फॉर स्पीड पोश के नाम से जाना जाता है नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट दो दो हजार दो विंडोज जी सी पीएस दो एक्सबॉक्स ब्लैक बॉक्स पीएसडो ईएसीएटल जी सी पीसी एक्सबॉक्स फ्रांस में इसे नीड फॉर स्पीड स्वीट इन्फरनेल दो के नाम से जाना जाता है नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड 2003 विंडोज जीसी पीएस दो एक सबॉक्स जीबीए ईए ब्लैक बॉक्स गति भूमिगत दो के लिए आवश्यकता 2004 विंडोज जीसी पीएस दो एक सबॉक्स जीबीए डीएस पीएसपी ईए ब्लैक बॉक्स पीएसपी संस्करण का शीर्षक था नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड राइवल्स गति की सर्वाधिक जरूरत 2005 विंडोज जीसी पीएस दो एक सबॉक्स एक सबॉक्स तीन सौ साठ जीबीए मोबाइल डीएस पीएसपीईए ब्लैक बॉक्स हॉट परस्यूट दो मुख्य रूप से एनएफएस थ्री के गेम प्ले और स्टाइल से प्रेरित है जिसमें पुलिस और ओवरटॉप ट्रैक से बचने पर जोर दिया गया है हालांकि गेम ने खिलाड़ियों को पुलिस के रूप में खेलने की अनुमति दी लेकिन पीछा करने का तरीका एनएफएस के पिछले संस्करणों की तुलना में कम यथार्थवादी था खिलाड़ियों को तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन को रोकने के लिए नकली पुलिस रणनीति का उपयोग करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बस टैप करने की आवश्यकता थी यह श्रृंखला की शुरुआत के बाद से पहला संस्करण था जिसमें ड्राइविंग सीट कॉकपिट कैमरा दृश्य नहीं दिखाया गया था जिसने ईए को यथार्थवादी रेसिंग से आर्किड स्ट्रीट रेसिंग में बदल दिया यह पीसी संस्करण के लिए श्रृंखला का आखिरी गेम था जिसमें नीड फॉर स्पीड टू में पेश किए गए स्प्लिट स्क्रीन टू प्लेयर मोड को दिखाया गया था पीसी संस्करण के मल्टीप्लेयर मोड के लिए लोकल एरिया नेटवर्क लैंड प्ले के स्थान पर गेम्स्पाई के इंटरनेट मैचमेकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था हॉट परस्यूट दो पहला एनएफएस गेम था जिसमें ईए ट्रैक्स लेबल के तहत लाइसेंस प्राप्त कलाकारों द्वारा गाए गए गानों का उपयोग किया गया था नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड 2003 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड को ईए ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित किया गया था और 2003 में रिलीज किया गया था पीसी पर यह पहला एनएफएस गेम था जिसमें ग्राफिक्स कार्ड में हार्डवेयर ट्रांसफॉर्म और लाइटिंग की आवश्यकता थी अंडरग्राउंड में अधिकांश नए तत्व नीड फॉर स्पीड सीरीज में बाद की किस्तों के परिभाषित चिन्ह बन गए अंडरग्राउंड अर्थपेशेवर रेसिंग और अलग थलग सर्किट से अन्य आर्केड रेसिंग श्रृंखला की सड़क रेसिंग शैली में स्थानांतरित हो गया सभी सर्किट ड्रिफ्ट को छोड़कर एक ही नक्शे ओलंपिक सिटी का हिस्सा बन गए अंडरग्राउंड ने दो नए खेल मोड़ ड्रेग और ड्रिफ्ट और पहले के हाई स्टेक्स की तुलना में अधिक ट्यूनिंग विकल्प पेश किए अंडरग्राउंड श्रृंखला का पहला गेम भी था जिसमें प्रीरेंडर किए गए वीडियो के माध्यम से बताई गई कहानी थी अंडरग्राउंड में ट्यूनर कार्य है और इसमें कई प्रकार के ट्यूनिंग विकल्प है जैसे व्हाइट बॉडी किट बम्पर स्पॉयलर साथ ही इंजन और नाइट्रस जैसे प्रदर्शन अपग्रेड सिटी स्ट्रीट रेसिंग खेल का प्राथमिक फोकस है अंडरग्राउंड और अंडरग्राउंड ग्राउंड दो में कोई पुलिस नहीं है नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड ग्राउंड दो दो हजार चार मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड ग्राउंड दो नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड अग्राउंड दो ईए ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित किया गया था और 2004 में जारी किया गया था खेल का एक डेमो ईए क्राइटेरियन सहयोग बर्नाव तीन टेकडाउन की प्रतियों में बोनस के रूप में रखा गया था अंडरग्राउंड दो में कहानी मोड जारी रहा लेकिन इसमें अंडरग्राउंड रेसिंग लीग और स्ट्रीट एक्स जैसे नए रेसिंग मोर अधिक ट्यूनिंग विकल्प और दौड़ का चयन करने का एक नया तरीका शामिल था इसमें एक आउटरन मोर भी शामिल था जहां एक खिलाड़ी सड़क पर यादृच्छिक विरोधियों को चुनौती दे सकता है टोक्यो एक स्ट्रीम रेसर के समान अंडरग्राउंड दो ने कई एसयूवी भी पेश किए जिनका इस्तेमाल अन्य एसयूवी के खिलाफ रेस के लिए किया जाता था मूल अंडरग्राउंड की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसकी खुली दुनिया फ्री रोम वातावरण की शुरुआत थी एक जिसने आने वाले कई एनएफएस खेलों के लिए टोन सेट किया लॉन्च के समय यह प्रकाशक की सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जाने वाली विशेषता भी थी इसके अलावा गेम में अभिनेत्रियों मॉडल ब्रुक बर्क और केली ब्रुक को इन गेम पात्रों के रूप में दिखाया गया था ताकि अभियान के दौरान खिलाड़ी का मार्गदर्शन किया जा सके वाहन के प्रदर्शन को प्रभावित न करने वाले संशोधनों पर अनुकूलन सुविधाओं का काफी विस्तार किया गया था खिलाड़ियों को अपनी कार को एक निश्चित संख्यात्मक मूल्य पर अनुकूलित करना आवश्यक था ताकि उन्हें डीवीडी और पत्रिका कवर की पेशकश की जा सके जो उच्च खेल स्तरों पर आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका था इस गेम में ऑटो रेसिंग से कोई संबंध न रखने वाली कंपनियों के लिए अधिक व्यापक उत्पाद प्लेसमेंट की सुविधा थी इस गेम में सस्पेंशन अपग्रेड नाइट्रस सिस्टम और इंजन मॉड के रूप में व्यापक अनुकूलन विकल्प भी थे नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड राइवल्स प्लेस्टेशन पोर्टेबल पर रिलीज किया गया पहला नीड फॉर स्पीड गेम था नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड दो से अलग क्योंकि इसमें कोई फ्री रोम नहीं था और कारें बहुत सीमित थीं इसे 2005 में रिलीज किया गया था नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड आलिंग मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2005 वीडियो गेम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड को ईए ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित किया गया था जिसे 2005 में रिलीज किया गया था और यह एक्सबॉक्स 360 के लिए रिलीज किए गए पहले गेम में से एक था मोस्ट वांटेड के प्लेस्टेशन पोर्टेबल पोर्ट का नाम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड पांच एक शून्य है पुलिस का पीछा करना गेम प्ले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें अंडरग्राउंड दो का फ्री रोमिंग पहलू शामिल है लेकिन कम व्यापक वाहन अनुकूलन सुविधाओं के साथ कहानी मोर अंडरग्राउंड से एक अलग शैली है जिसमें लाइवेक्शन के साथ सीजीआई प्रभाव मिला हुआ है गेम में ब्लैकलिस्ट दिखाया गया था जिसमें पंद्रह रेसर शामिल थे जिन्हें खिलाड़ी को भागों कारों ट्रैक को अनलॉक करने और कैरियर मोर को पूरा करने के लिए एक एक करके हराना था खिलाड़ी को अगले ब्लैकलिस्ट प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने से पहले कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना था जैसे कि दौड़ पूरी करना मील के पत्थर हासिल करना और इनाम अर्जित करना मोस्ट वांटेड का एक विशेष ब्लैक संस्करण भी जारी किया गया जिसमें अतिरिक्त दौड़ चुनौतियां और कुछ बोनस कारें शामिल थी इसमें एक पर्दे के पीछे की डीवीडी भी शामिल थी दोनों संस्करण प्लेस्टेशन दो एक सबॉक्स और विंडोज आधारित पीसी के लिए उपलब्ध थे जबकि गेमक्यूब निंटेंडो डीएस और एक सबॉक्स तीन के लिए केवल मानक संस्करण ही उपलब्ध था मोस्ट वांटेड को बेहद सकारात्मक समीक्षाएं मिली और कई गेमिंग वेबसाइटों और पत्रिकाओं में समीक्षकों से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली जिसमें ग्राफिक्स ध्वनि प्रभाव और सामान्य गेम प्ले की प्रशंसा की गई दुनिया भर में 16 मिलियन प्रतियों की बिक्री के साथ मोस्ट वांटेड फ्रेंचाइजी में सबसे अधिक बिकने वाला गेम है एक एक गेम जिसे नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड भी कहा जाता है 2012 में ब्रिटिश डेवल पर क्राइटेरियन गेम्स के साथ विकास के लिए जारी किया गया था अपने ऑटो पार्ट्स को कस्टम फैब्रिकेट करने की अनुमति देती है कलेक्टर संस्करण में तीन नई कारें, दस विशेष रूप से तैयार कारें, छह नई दौरेन और खेल के निर्माण के पीछे के दृश्यों के साथ एक बोनस डीवीडी शामिल है नीड फॉर स्पीड प्रोस्ट्रीट दो मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड प्रोस्ट्रीट ऑटो मोटो शो 2008 में नीड फॉर स्पीड प्रोस्ट्रीट का प्रचार नीड फॉर स्पीड प्रोस्ट्रीट ईए ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित 2007 में जारी किया गया था खेल की प्रमुख विशेषताओं में यथार्थवादी क्षति यथार्थवादी रेसिंग मॉडलिंग और बर्नाउट की वापसी शामिल थी 126 127 सौ खेल में पहले के रिलीज में पाए जाने वाले फ्री रोम मोड़ की कमी थी इसके बजाय सभी दौड़ बंद रेस ट्रैक पर थीं, जो संगठित रेस के दिनों में होती थीं खेल में ड्रेग रेस स्पीड चैलेज अनिवार्य रूप से स्प्रिंट रेस और स्पीड ट्रैप ग्रिप रेस सर्किट रेसिंग और ड्रिफ्ट रेस शामिल थे नीड फॉर स्पीड अंडर कवर दो इग्रोमिर दो में नीड फॉर स्पीड अंडरकवर का प्रचार मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड अंडरकवर नीड फॉर स्पीड अंडर कवर ईए ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित 2008 में जारी किया गया था पिछले खेलों की तुलना में इस गेम का विकास चक्र काफी लंबा था इसे विकसित होने में 16 महीने लगे 128 सौ ईए ने अंडर कवर को विभिन्न मोबाइल उपकरणों पर पोर्ट किया यह प्लेस्टेशन 2 के लिए आखिरी नीड फॉर स्पीड गेम था ईए गेम्स के अध्यक्ष फ्रैंक गिब्यू ने कहा कि चूंकि प्रोस्ट्रीट की बिक्री ईए के अनुमानों के अनुरूप नहीं रही इसलिए फ्रेंचाइज अपनी जरो पर वापस जाएगी हालांकि गेम को प्रोस्ट्रीट की तुलना में कुल मिलाकर कम अंक मिले गेम में ट्यूनिंग और पुलिस के पीछा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसमें 50 से अधिक कारें थीं और यह ट्राई सिटी बे नामक एक काल्पनिक शहर में हुआ था खिलाड़ी की भूमिका एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की थी जो सड़क पर दौड़ने वालों को रोकने की कोशिश कर रहा था अभिनेत्री मैगी क्यू को दिखाने वाले लाइवेक्शन कटसीन से युक्त गेम में एक क्षति प्रणाली भी थी जहां दुर्घटना के बाद भाग टूट सकते थे प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स 360 के लिए कलेक्टर संस्करण में पांच नई कारें बारह नए सर्किट और स्प्रिंट और चेक ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन जोड़े गए इसके अलावा दस मौजूदा कारों के विशेष रूप से ट्यून किए गए संस्करण साथ ही एक अनूठी दृश्य शैली जोड़ने के लिए 35 विशेष विनाइल भी शामिल किए गए नीड फॉर स्पीड शिफ्ट 2009 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड शिफ्ट नीड फॉर स्पीड शिफ्ट जिसे स्लाइटली मैड स्टूडियो द्वारा विकसित किया गया था 2009 में रिलीज किया गया था इसमें 60 से ज्यादा कारें और 19 ट्रैक हैं, जिनमें से कुछ लाइसेंस प्राप्त ट्रैक हैं, जबकि अन्य काल्पनिक है बेहतर ड्राइविंग सिमुलेशन के साथ एक अनुकूली कठिनाई भी थी जबकि इसने कॉकपिट दृश्य को फिर से पेश किया एनएफएस शिफ्ट ने पिछले शीर्षकों की आर्केड रेसिंग के बजाय रेसिंग सिमुलेशन पर ध्यान केंद्रित किया एनएफएस शिफ्ट को श्रृंखला के पिछले तीन खेलों की तुलना में बेहतर समीक्षा मिली विशेष संस्करण में विशेष रूप से ट्यून किया गया बीएमडब्ल्यूएम तीन जी दो और एक एलीट सीरीज ट्रैक शामिल था खेल के लिए डाउनलोड करने योग्य सामग्री के दो आइटम जारी किए गए थे नीड फॉर स्पीड नाइट्रो 2009 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड नाइट्रो नीड फॉर स्पीड नाइट्रो पहला एने फेस गेम है जो विशेष रूप से निंटेंडो डीएस और वी के लिए बनाया गया है जिसमें आरकेर शैली गेम प्ले की सुविधा है और यह आकस्मिक दर्शकों को लक्षित करता है जिसे 2009 में रिलीज किया गया था नीड फॉर स्पीड नाइट्रो फेसबुक पर एक सोशल मल्टीप्लेयर गेम के रूप में भी उपलब्ध था नीड फॉर स्पीड नाइट्रोएक्स दो हजार DSI बटा एक सेल और तीन DS सिस्टम के साथ उपयोग के लिए एक नया संस्करण है मूल रूप से मूल रिलीज इसे कई अपडेट के साथ अपडेट किया गया था 18 लाइसेंस प्राप्त वाहन नई पुलिस इकाइया कस्टम टैग 16 अपडेट किए गए ट्रैक एक संशोधित कैरियर मोड चार खिलाड़ियों तक के लिए स्थानीय मल्टीप्लेयर मैच और नए पुरस्कार और अनलॉक करने योग्य गेम को केवल डिजिटल डाउनलोड के रूप में 2010 में रिलीज किया गया था नीड फॉर स्पीड वर्ल्ड 2010 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड वर्ल्ड ई तीन दो में नीड फॉर स्पीड वर्ल्ड का प्रमोशन नीड फॉर स्पीड वर्ल्ड विंडोज आधारित पीसी के लिए एक फ्री टू प्ले एमएमओ रेसिंग गेम था इसने मोस्ट वांटेड और कार्बन की गेम प्ले शैली को अपनाया जिसमें अवैध स्ट्रीट रेसिंग ट्यूनिंग और पुलिस पीछा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और मिश्रण में क्लासिक एमएमओ तत्वों को जोड़ा गया वर्ल्ड ने अपने मानचित्र डिजाइन में क्रमशः मोस्ट वांटेड और कार्बन के शहरों रॉकपोर्ट और पालमोंट के लगभग सटीक प्रतिकृतियों को शामिल किया वर्ल्ड को मूल रूप से 2009 की गर्मियों में एशियाई रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन उस समय खेल जारी नहीं किया गया था और इसे 2010 में दुनिया भर में जारी किया गया था 130, 131 खेल अक्टूबर 2009 में ताइवान के निवासियों तक सीमित सार्वजनिक बीटा परीक्षण में था नीड फॉर स्पीड वर्ल्ड ने जुलाई 2015 में अपने सर्वर बंद कर दिए इसके तुरंत बाद उन्होंने गेम के लिए नए अकाउंट बनाने की सुविधा हटा दी और इसके लिए अपना समर्थन बंद करना शुरू कर दिया बंद होने से पहले कई दुनिया के अंत प्रचार और इंगेम इवेंट आयोजित किए गए नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट 2010 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट 2010 वीडियो गेम गेम्सकॉम 2010 में नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट का प्रमोशन नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट को ब्रिटिश गेम डेवलपर क्राइटेरियन गेम्स द्वारा विकसित किया गया था और 2010 में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स द्वारा प्रकाशित किया गया था 133 यह कार अनुकूलन के बजाय रेसिंग और पुलिस पीछा पर केंद्रित है इस गेम ने ई तीन में कई पुरस्कार जीते जिसमें बेस्ट रेसिंग गेम भी शामिल है जो मूल हॉट परस्यूट के बाद से ई तीन पुरस्कार जीतने वाला एनएफएस श्रृंखला का पहला गेम बन गया साठ से ज्यादा कारें थीं, जिनमें से ज्यादातर रेसर और पुलिस दोनों के लिए उपलब्ध थीं लेकिन कुछ दोनों तरफ से एक्सक्लूसिव थीं एक थी. 134 पिछले एनएफएस टाइटल से अलग इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं था और गेम सीक्रेस्ट काउंटी नामक एक नीड फॉर स्पीड द रन को ईए ब्लैक बॉक्स द्वारा विकसित किया गया था और 2011 में जारी किया गया था इस गेम में ब्लैक बॉक्स के पिछले शीर्षकों की सरक्रेसिंग गेम प्ले जारी रही जिसमें सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक संयुक्त राज्य अमेरिका में दौड़ पर आधारित कहानी थी इस गेम में एनएफएस के इतिहास में पहली बार खिलाड़ी को अपनी कार से बाहर निकलकर पैदल यात्रा करते हुए त्वरित समय की घटनाओं को दिखाया गया था रन को डाइस के फ्रॉस्टबाइट दो इंजन द्वारा संचालित किया गया था जिससे यह गेम पहला नॉन शूटर और इंजन का उपयोग करने वाला पहला कंसोल टाइटल बन गया इसके अतिरिक्त गेम में एनएफएस ऑटोलॉग का भी उपयोग किया गया था रन में वास्तविक दुनिया के वाहनों की एक बड़ी रेंज का उपयोग किया जाता है जिन्हें दृश्य उन्नयन के साथ बदला जा सकता है कारों और घटनाओं को अनलॉक करने के लिए एक एक्सपी अनुभव अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है सीमित संस्करण में तीन विशेष कार्य और बोनस पुरस्कार और उपलब्धियों के साथ पांच विशेष चुनौतियां हैं नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड अर्लिंग यार मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2012 वीडियो गेम गेम्सकॉम दो में नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का प्रमोशन नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड को ब्रिटिश गेम डेवलपर क्राइटेरियन गेम्स द्वारा विकसित किया गया था और 2012 में रिलीज किया गया था गेम को हॉट परस्यूट एक सटेंशन के विपरीत मोस्ट वांटेड आईपी पर चुना गया था एक यह क्राइटेरियन गेम्स द्वारा ब्लैक बॉक्स से एनएफए सीरीज को अपने कब्जे में लेने के बाद बनाया गया पहला गेम था इसमें ओपन वर्ल्ड रेसिंग की सुविधा है और गेम में अधिकांश कार्य शुरू से ही उपलब्ध है जो अलग अलग स्थानों पर छिपी हुई है एक इसमें 15 के बजाय दस की ब्लैकलिस्ट भी है और गेम के लिए कोई कहानी या दृश्य अनुकूलन नहीं है यह ऑटोलॉग दो दशमलव शून्य द्वारा संचालित है गेम में सभी कारों के लिए प्रदर्शन उन्नयन उपलब्ध है जैसे चेसिस टायर नाइट्रस और बॉडी वर्क 140, मील के पत्थर और उपलब्धियां विभिन्न तरीकों से अनलॉक की जाती है जैसे दौड़ पूरी करना और बिलबोर्ड तोड़ना नीड फॉर स्पीड प्रतिद्वंद्वी 2013 हजार तेरह मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड प्रतिद्वंद्वी नीड फॉर स्पीड राइवल्स को घोस्ट गेम्स पूर्व में ईए e. गोथेनबर्ग ने क्राइटेरियन गेम्स के साथ मिलकर विकसित किया था और इसे 2013 में प्लेस्टेशन 4, 141, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एक 141 और एक बॉक्स वन के लिए रिलीज किया गया था 141 यह डाइस के फ्रॉस्टबाइट तीन इंजन पर चलता है इसकी मूल अवधारणा नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट जैसी ही है लेकिन इसमें ऑल ड्राइव सिस्टम और कई परस्यूट तकनीक जैसी नई सुविधाएं हैं नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स 2015 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स लोगो नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स को 2015 में आईओएस और एंड्रॉयड के लिए रिलीज किया गया था और यह फायर की स्टूडियो द्वारा विकसित और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स द्वारा प्रकाशित नीड फॉर स्पीड वीडियो गेम सीरीज का एक मोबाइल इंस्टॉलमेंट है यह फ्रेंचाइज का पहला मूल शीर्षक है जो विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए बनाया गया है श्रृंखला के पिछले मोबाइल गेम के विपरीत जो केवल विभिन्न नीड फॉर स्पीड गेम के अनुकूलन थे नीड फॉर स्पीड 2015 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड 2015 वीडियो गेम घोस्ट गेम्स द्वारा विकसित फ्रेंचाइजी का एक पूर्ण रीबूट। यह गेम 2015 में प्लेस्टेशन 4 और एक सबक्स वन के लिए जारी किया गया था और 2016 में ओरिजिन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए जारी किया गया था वेंचुरा खाड़ी में स्थापित इस गेम में पांच अलग अलग गेम प्ले हैं जिसमें पांच अतिव्यापी कथानकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अंक एकत्र किए जाते हैं इसके अतिरिक्त इसमें पुनः डिजाइन किया गया रैप एडिटर और बॉडी कार संशोधन भी है पीसी संस्करण 2016 में ओरिजिन के माध्यम से दो अलग अलग संस्करणों में जारी किया गया था स्टैंडर्ड संस्करण बेस संस्करण है जबकि डीलक्स संस्करण में स्टाइलिंग पैक परफॉर्मेंस पैक ट्रिकआउट स्टार्टर कार एक्सक्लूसिव रैप्स विशिष्ट पहचान वाले स्टिकर वीआईपी आइकन और इनगेम मुद्रा का उपयोग करके सभी वस्तुओं पर आजीवन छूट है नीड फॉर स्पीड पे बैक दो हजार सत्रह मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड पे बैक और घोस्ट गेम्स ने 2017 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 के लिए नीड फॉर स्पीड पे रिलीज किया पिछले शीर्षक के विपरीत गेम में ऑफलाइन सिंगल प्लेयर मोर है एक सौ तैंतालीस पेबैक फॉर्च्यून वैली में सेट है गेम एक्शन ड्राइविंग पर केंद्रित है और इसमें तीन बजाने योग्य पात्र है प्रत्येक के पास अलग अलग कौशल है जो एक्शन मूवी जैसे दृश्यों को खींचने के लिए एक साथ काम करते हैं इसके अलावा 24 घंटे का दिन रात चक्र भी है नीड फॉर स्पीड हीट 2019 मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड हीट गेम्सकॉम में एने फेस हीट बूथ नीड फॉर स्पीड हीट को 2019 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नीड फॉर स्पीड वी रैली दो उन्नीस मुख्य लेख वी रैली दो मूल वी रैली की तरह ही ईए ने उत्तरी अमेरिका में वीरेली दो के प्लेस्टेशन संस्करण को प्रकाशित करने के अधिकार खरीदे इन्फोग्राम्स ने उत्तरी अमेरिका में गेम के ड्रीमकास्ट संस्करण को टेस्ट ड्राइव वीरेली के रूप में प्रकाशित किया श्रृंखला के बाद के खेलों का नीड फॉर स्पीड या टेस्ट ड्राइव से कोई संबंध नहीं होगा नीड फॉर स्पीड वेब रेसिंग 2001। हजार एक नीड फॉर स्पीड वेब रेसिंग नीड फॉर स्पीड थ्री हॉट Pursuit का एक ऑनलाइन केवल रूपांतरण था जिसे 2001 में ईए डॉट कॉम की प्लेटिनम सेवा के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया गया था नीड फॉर स्पीड थ्री से ग्यारह कार्य और विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल किए गए थे साथ ही पहले नीड फॉर स्पीड से एक पाठ्यक्रम भी शामिल किया गया था सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर मोड़ उपलब्ध कराए गए थे ई बायश ई मोटर सिटी ऑनलाइन 2001 मुख्य लेख मोटर सिटी ऑनलाइन मूल रूप से नीड फॉर स्पीड सीरीज के हिस्से के रूप में नीड फॉर स्पीड मोटर सिटी शीर्षक के तहत कल्पना की गई थी एक विकास के दौरान सभी एकल खिलाड़ी तत्वों को एक ऑनलाइन केवल मॉडल के पक्ष में त्याग दिया जाएगा परिणाम मोटर सिटी ऑनलाइन 29 अक्टूबर 2001 को ईए द्वारा जारी एक रेसिंग एमएमओ गेम था खेल का उद्देश्य क्लासिक कारों को खरीदना उन्हें ट्यून करना और अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ उनसे रेस करना था ईए को द सिम्स ऑनलाइन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए खेल दो साल से भी कम समय में ऑफलाइन हो गया बाद में ईए ने एक नया ऑनलाइन रेसिंग गेम विकसित किया जिसे नीड फॉर स्पीड वर्ल्ड कहा जाता है ई नीड फॉर स्पीड टॉप स्पीड 2002. हज़ार दो नीड फॉर स्पीड टॉप स्पीड एक ऑनलाइन ओनली प्रमोशन रेसिंग गेम था जिसे 1 अक्टूबर 2002 को ई Pogo पोगो और अमेरिका ऑनलाइन के ऑनलाइन ओनली एओएल गेम्स के फर्स्ट प्ले प्रोग्रामिंग पहल के हिस्से के रूप में रिलीज किया गया था मैक किलिवरे फ्रीमैन की 2002 की आईमैक्स फिल्म टॉप स्पीड और तत्कालीन नई पोर्श एन टर्बो दोनों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया यह गेम ट्रेवल अल्बर्टा कनारा के प्रायोजन के कारण कनाडाई स्थानों को संदर्भित करने के लिए पोष अनलिशेड के तीन मौजूदा पाठ्यक्रमों का नाम बदल देता है नीड फॉर स्पीड दस टेरर फाइव रद्द नीड फॉर स्पीड दस टेरर फाइव एक अवधारणा थी जिसे 2008 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को दिया गया था ईए ब्लैक बॉक्स के एक पूर्व प्रेजेंटेशन डायरेक्टर के पोर्टफोलियो पेज पर कहा गया है कि गेम का लक्ष्य इस सवाल का जवाब देना था कि 911 के बाद के अमेरिकी शहर में बड़े पैमाने पर स्ट्रीट रेस कैसे हो सकती है कॉन्सेप्ट आर्ट में टेरर फाइव नामक स्ट्रीट रेसर्स के एक समूह को दर्शाया गया है साथ ही गेम प्ले का एक मॉकअप भी दिखाया गया है जिसमें खिलाड़ी पुलिस की कारों को हैक करते हुए दिखाई देते हैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन नीड फॉर स्पीड मिलीनेयर रद्द नीड फॉर स्पीड मिलीनेयर क्राइटेरियन गेम्स द्वारा विकसित एक रद्द ऑनलाइन ओनली एंट्री थी जिसने बर्नाउट पैराडाइज और नीड फॉर स्पीड अंडर कवर की रिलीज के बाद दो हजार आठ के आसपास विकास शुरू किया था इसमें खिलाड़ी और उसके दोस्त लॉटरी जीतने और कई सुपरकार खरीदने के बाद रोमांच पर जाते हुए दिखाई देते जिसे क्राइटेरियन के निर्देशक एलेक्स वार्ड ने फ्रीबर्न मीथ स्टॉप गियर चैलेंज के रूप में वर्णित किया इस गेम पर छह महीने तक काम किया गया और इसका एक खेलने योग्य संस्करण भी था लेकिन इसे नीड फॉर स्पीड हॉट परस्यूट के पक्ष में रद्द कर दिया गया ई पायऊशिपाच्यो नीड फॉर स्पीड एज रद्द नीड फॉर स्पीड एज एक फ्री टू प्ले एमएमओ रेसिंग गेम था जिसे ईए स्पीयरहेड पूर्व में ईए कोरिया द्वारा विकसित किया गया था और दक्षिण कोरिया के नेक्सॉन और चीन के टेंसेंट इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट नीड फॉर स्पीड ऑनलाइन के रूप में जाना जाता है द्वारा प्रकाशित किया गया था यह फ्रेंचाइजी में कुल मिलाकर तीसरा फ्री टू प्ले गेम है साथ ही यह एकमात्र फ्री टू प्ले रेसिंग गेम है जो फ्रॉस्टबाइट तीन गेम इंजन पर चलता है पीसी संस्करण 2013 शीर्षक नीड फॉर स्पीड प्रतिद्वंद्वियों पर आधारित है जबकि मोबाइल संस्करण कभी कभी नीड फॉर स्पीड द्वंद्व के रूप में संदर्भित नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स पर आधारित है 160 सौ ओपन बीटा 10 दिसंबर 2017 को जारी किया गया था नेक्सॉन ने 30 मई 2019 को खेल को बंद कर दिया नीड फॉर स्पीड मोबाइल 2024 हजार चौबीस नीड फॉर स्पीड मोबाइल चीन ताइवान हांगकांग और मकाऊ में नीड फॉर स्पीड असेंबल के रूप में जाना जाता है एक आगामी फ्री टू प्ले ओपन वर्ल्ड रेसिंग मोबाइल गेम है जिसे टिमी स्टूडियो द्वारा विकसित किया गया है और दुनिया भर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स और चीन के लिए तेन Interactive इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट और ताइवान हांगकांग और मकाऊ के लिए गरेना द्वारा प्रकाशित किया गया है एक यह गेम अनरियल इंजन चार पर चलता है यह श्रृंखला में अनरियल इंजन पर चलने वाला पहला और एकमात्र गेम है यह गेम चीन में 11 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया एक और दुनिया भर में फॉल 2024 पर रिलीज किया गया फिल्म रूपांतरण मुख्य लेख नीड फॉर स्पीड फिल्म ईए ने ड्रीम पिक्चर्स के साथ मिलकर नीड फॉर स्पीड का एक फिल्मी संस्करण बनाया जिसमें आरोन पॉल ने टोबी मार्शल की भूमिका निभाई जो एक मैकेनिक और स्ट्रीट रेसर है जिसे एक अमीर व्यापारिक सहयोगी द्वारा फंसाया जाता है एक सौ पैंसठ एक सौ छियासठ यह फिल्म 14 मार्च 2014 को डिज्नी के टचस्टोन पिक्चर्स द्वारा फ्रेंचाइजी की बीसवीं वर्षगांठ से कुछ महीने पहले रिलीज की गई थी नकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 200 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की अप्रैल 2015 में चाइना मूवी चैनल

मार्च दो से 14 को रिलीज किया गया था यूनाइटेड स्टेट में बाकी अब इसे एक तरह से रिलीज किया जाएगा एक तरह से अपकमिंग तारीख को एक तरह से दो के अंदर बाकी इसका जो पिछला पार्ट है वो छियासठ मिलियन के बजट में बनाया गया था और जिसने कलेक्शन 203 मिलियन का किया था जो कि सुपर डुपर हिट रही थी बाकी इसका दूसरा पार्ट अब आएगा तो इसके बजट के बारे में जब बात की जाएगी तो यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में